से चाय के लिए तरस रहे हैं, पूछा किसी ने। अब तक अम्मा को चाय नहीं दी। भाई तुम जानती हो ना डायबिटिक है। कितना झूठ बोलोगे तुम, सुबह से तीन तीन प्याली निकल चुकी है, ये ड्रामे ही नहीं खत्म होते दोनों अम्मा बेटे के, बना रहे हैं चाय। अम्मा और तुम जल्दी जल्दी हाथ चला और तैयार हो जाओ। बड़ा होशियार है जी हमारा चीजो, अपना रतन, हम प्यार से उसे चीजो चीजो कहते हैं। चीजो? जी हाँ चीजो, बहुत प्यारा नाम है जी। आपने जलेबी तो ली नहीं, स्पेशली लीजिए लीजिए। ये तो ड्रीम्स क्या है आपके? ड्रीम जी? हाँ मतलब हमारी बॉल बेयरिंग की दुकान है, हमारा ड्रीम है ऐसी दो तीन और हो जाए, बॉल बेयरिंग की दुकान है। इतना बॉल बेयरिंग का मेरठ में करेंगे क्या? आप ना हमें थोड़ी सी ज्यादा ही हेल्दी लग रही है। उसे हेल्दी नहीं, मोटा कहते हैं। हम ओवरवेट हैं और आप जरूरत से ज्यादा अंडरवेट। तो माफ कीजिएगा, इस छत पे हेल्दी तो कोई भी नहीं। हाँ मगर एक बेवकूफ जरूर है, तो अभी बचा हुआ समोसा ठूसिए और कटिए बहुत तेज। राजश्री जी बुरा मत मानिएगा, मगर वो आप जो बनना चाहती है ना, उसके लिए भी जरा वजन घटा ही लीजिए। क्या है कि दुनिया भी शायद हमारी ही तरह बेवकूफ है। गुड लक। एक महीने से पता है महारानी को कि लड़के वाले आ रहे हैं, हम कहते कहते मर गए कि गप्पू थोड़ा कार्डियो शुरू कर लो बेटा, और कुछ नहीं तो ससुरा कीटो ही कर लो। लेकिन नहीं, कीटो करती ना तो वो टीटो नहीं भागता। मगर नहीं, मजाल है जो एक भी पराठा कम खाया हो एक महीने में। धन का तो खाया नहीं होगा सुबह से, जानता तेरा ख्याल आया तो ऑफिस से जल्दी निकल गया, रास्ते में सलीम दिख गया, कबाब उठा ले खा लेना। ये भी कोई बोलने की बात है? बीबी वो सुबह से ना पेट में थोड़ी गड़बड़ टाइप चल रही है, तो सोचा कि डाइजेशन मंगा लेता हूँ। कोई नहीं बीबी, तू कबाब लगा दे यार जल्दी, गर्मा गर्म फटाफट खाएंगे, फिर तुझे काम के लिए भी निकलना है ना। पेट खराब है और कबाब खाओगे? अरे बीबी इतने प्यार से तुमने कबाब लाए, खाऊंगा छुट्टियों में, पेट का दर्द यूं ठीक हो जाएगा, उसे मना कर देता हूँ, दवाई नहीं चाहिए। चिकन बर्गर, मेक दैट टू, टू ईच विद चीज, हेल या विद चीज, वन लार्ज फ्राइज, वन लार्ज नगेट, मेयो डिप, चॉकलेट पैनकेक, वॉफल, बनाना मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक विद क्रीम ऑन माय। वाओ, समवनस हंग्री। ओह हनी, वी जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। बैक करो। हम ये बिल्डिंग उड़ाने वाले हैं। स्कूल था ये मेरा। अरे वाह बढ़िया। फोर्थ ग्रेड में थी मैं।
भैया सेवेंथ में, साइंस का पीरियड था शायद। कितनी अजीब बात है, जब तक किसी और के दुख से मुलाकात ना हो अपना दुख अल्टीमेट लगता है इंसान को। तुम्हारी जगह होते ना तो मर ही जाते हैं, या दोस्त बना लेती शायद। मैंने भी बहुत कोशिश की थी, पहले तो दिल्ली के संस्कृति स्कूल के बच्चों के साथ, और जब उनसे ना कर पाए तो खाने के साथ, और खारा साला यारों का यार निकला। बचपन से जवानी तक ले आया। आगे की हमसे सुनो। फिर दोस्ती को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर तब तक ग्रुप बन चुका था ना, खाना मोटापा लोगों के तानों से तंग आकर डायट जैसे नए दोस्त बनाने की कोशिश की, मगर उन सालों की यारी ना पक्की नहीं थी। कभी साथ देते थे कभी नहीं, मगर खाना खाना यारों का यार था। बाल स्ट्रीक कर, कान नाक होंठ सब छिदवा लिए, टैटू बना लिया बड़ा सा, कि मोटापे से पहले दुनिया ना कुछ और देख ले। चाय पियोगी? पिला दीजिए, सब कुछ मिल गया लंदन में, बस आपके हाथ की चाय नहीं मिली। अच्छा, बदमाश, बातें करवा लो इससे। दादी, कितने दिन लगा आने में? सबू चाय तो बना ही रहे हैं। शर्मा जी मिठाई लाए थे, वो भी ले आते हैं। कौन शर्मा जी? अरे बताया तो था, शर्मा है ना अपने योगेश, पता है इंजीनियर है योगेश, और लखनऊ में दो दो घर है उनके, 20 तारीख को आ रहे हैं वापस यहाँ पर तुम दोनों को मिलाने के लिए। 20 को तो हम यहाँ है नहीं।